हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी किचन पर। आज हम आपके लिए लाए हैं रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट, जो कि बनाना बहुत आसान है और यह खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसी मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस रेसिपी को हम 7 कप स्वीट या 7 कप केक बोल सकते हैं, या फिर हम इसे क्लोज कजिन आप मैसूर पाक भी बोलते हैं। इसमें मैसूर पाक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किसी कटोरी या मेजरिंग कप का यूज करना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप इस तरीके से छोटी कटोरी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप मेजरिंग कप से मेजरमेंट कीजिएगा। तो मेजरिंग कप से मेजरमेंट करने वाली हूँ। यहाँ पर मिठाई बनाने के लिए हमने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब इसमें सबसे पहला कप हम डालेंगे बेसन। हमें बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। हमें इसमें घी फिर ऑयल नहीं डालना है, और अब हम इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे जब तक इससे अच्छी तरीके से खुशबू नहीं आने लगती और इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। 7 कप केक बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई 7 इंग्रेडिएंट का यूज नहीं करेंगे, हम बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे। बस मेजरमेंट पूरा हमारा 7 कप होगा। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में ही हम कोई चीज़ 2 या 3 बार रिपीट करके डालेंगे, जिससे हमारा 7 कप एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो बातों बातों में ये देखिए, यहाँ पर हमारा बेसन अच्छी तरीके से भुन उठा है, और अब हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे सूखे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। यहाँ हमारे दूसरे कप में है सूखे नारियल का बुरादा, और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करके बेसन के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। हमने गरी के बुरादे को भी बेसन के साथ अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर हमें फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें डालना है अपना तीसरा इंग्रेडिएंट, जो कि है दूध। यहाँ पे हमने 1/3 कप लिया है दूध, और हम इसमें दूध डालेंगे। इसके बाद हम अपना चौथा इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है देसी घी। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल या फिर वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने घी को अच्छे से मेल्ट करके ठंडा कर लिया है, इसे डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है चीनी। यहाँ पर हम चीनी 3 कप डालेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से चीनी थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 3 कप चीनी एकदम परफेक्ट है मिठाई के लिए। और 3 कप चीनी के डालने के बाद हमारा 7 कप कंप्लीट हो जाता है। और अब हम इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अभी यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ ही रखेंगे। जब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, है ना यह एकदम आसान सी मिठाई। हमें इस मिठाई को कुछ करना नहीं है, बस मिक्स करना है और कुक करना है। हम इस मिठाई को मिक्स एंड कुक रेसिपी के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप भी इस मिठाई को इस रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। और इस मिठाई की एक ख़ास बात यह भी है, इस एक ही मिठाई में हमें 3-3 चीज़ों का टेस्ट आता है। हमें इसमें बेसन मलाई बर्फ़ी का भी टेस्ट आता है, और बेसन बर्फ़ी का भी टेस्ट आता है, और इसमें मैसूर पाक का भी टेस्ट आता है। तो
और ये देखिए यहाँ पर चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, बर्फ़ी का बैटर एकदम पतला हो चुका है और अभी भी हम इसे इसी तरीके से लगातार मिक्स करने करते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर इसमें बबल्स भी आने लगे हैं और यह मिठाई तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आप भी चाहे तो रक्षाबंधन पर इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा, यह बहुत ही आसानी से बन जाता है। और बस हमें इस टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसे अच्छे तरीके से फटाफट मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो यह नीचे से जलने लगता है। और ये देखिए यहाँ पर बर्फ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और यहाँ पर यह लगभग जमने की कंसिस्टेंसी पर आ गई है और बर्फ़ी नीचे से तेल भी छोड़ने लगी है। और अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और बर्फ़ी को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर प्लेट में हमने पहले से ऑयल लगा लिया है और अब हम इसमें डालेंगे बर्फ़ी का बैटर। और हम लिए हैं एक कटोरी और इसके नीचे से पूरा घी लगा लिए हैं और अब हम इसे फटाफट इसे सेट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने बर्फ़ी को सेट कर लिया है और इसे गर्मा गर्म ही कट का निशान लगा लेंगे, नहीं तो यह ठंडा होने के बाद एकदम टाइट हो जाएगी और कटेगी नहीं। तो हम बर्फ़ी को कट कर ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, आपको जो शेप पसंद हो आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने बर्फ़ी को कट कर लिया है और एकदम अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे प्लेट से बाहर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी बर्फ़ी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है, इससे यह देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अब हम इस पर गार्निशिंग करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की, आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम एक एक करके बर्फ़ी को प्लेट से बाहर निकाल लेंगे और साथ ही इस पर लगाएंगे थोड़ा सा पिस्ता, जिससे यह देखने में और ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। यह मिठाई देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप इसे घर पर बनाए हैं, यह एकदम मार्केट जैसी दिख रही है और यह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप भी इस मिठाई को एक बार ज़रूर बनाइएगा और स्पेशली आप इस मिठाई को रक्षाबंधन पर ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। तो आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कला।